नमस्ते आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस वीडियो में। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और आज सोमवार है, मैंने स्कूल से छुट्टी ले रखी है क्योंकि आज यहाँ मेरे ससुराल में कुछ स्पेशल है। मम्मी जी कन्याएं कर रही हैं, जिन्होंने अपने आँख के ऑपरेशन के लिए बोली हुई थी, तो उनका आँख का ऑपरेशन अच्छे से हो गया है। 1 मंथ हो गया उनके आँख के ऑपरेशन को हुए, तो अब वो कन्याएं कर रही हैं, तो इसलिए मैंने स्कूल से छुट्टी ले रखी है और इसीलिए यहाँ आज मैं ससुराल में ही हूँ। और अभी मैं जो है किचन में जा रही हूँ खाने की तैयारी करने, और इस वक्त टाइम हो रहा है सुबह के 6:30 बज रहे हैं। तो खाना मैं दीदी और जीजाजी के लिए बना रही हूँ, वो अभी थोड़ी देर में निकलेंगे यहाँ से वापस हाथरस के लिए। तो 8 बजे तक वो यहाँ से निकल जाएंगे, शायद 8 बजे की बोल रहे हैं कि 8 बजे तक उन्हें निकलना है यहाँ से हाथरस के लिए। तो मैं अभी किचन में जा रही हूँ उनके लिए खाना बना दूँ। और यहाँ मैं बॉयल आलूओं की सूखी सब्जी बना रही हूँ, तो इसमें प्याज टमाटर वगैरह सब डाल के फ्राई कर रही हूँ मैं। इसके बाद इसमें डाल देती हूँ मैं ये बॉयल किए हुए आलू, जो मैंने पहले ही बॉयल करके रख दिए थे, छील करके रख दिए थे। और अब इसके बाद मैं नमक और लाल मिर्च और मिला देती हूँ। बस हो गए हमारे ये सूखे आलू रेडी। और ये सब्जी ना पूड़ियों के साथ तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो ये हमारे आलू की सूखी सब्जी तो रेडी हो गई है, और अब बस कढ़ाई रख करके उसमें गर्मा गर्म पूड़ियाँ और निकाल लूँ। और आज मेरे पास बहुत काम है, दीदी और जियाजी को विदा करने के बाद फिर मैं उसकी तैयारी में लग जाऊंगी, जो मम्मी जी को कन्याएं करनी है। और उसके बाद फिर मुझे हाथरस के लिए भी निकलना है, और उससे पहले तांशु को आगरा अपने मायके छोड़ना होगा मुझे। तो चलिए पहले मैं सारी पूड़ियाँ सेक करके दीदी और जीजाजी के लिए बांध दूँ, बाकी काम तो बाद में होगा। और यहाँ पर हमारी दादी जी हाथ में पैसे लेकर के बैठी हैं दीदी और उनके बच्चों को विदा देने के लिए। और मम्मी जी दीदी को विदा में साड़ी और पैसे दे रही हैं। तो अभी यहाँ पर दीदी जीजाजी बच्चे वगैरह सब रेडी हो गए हैं, जाने के लिए तैयार खड़े हैं। और यहाँ पर हमारे पूर्वी बाबू भी जग करके आ गए हैं, और ये देखिए इनकी भी टकली हो गई है अब तो। वैसे ना बच्चों की एक बहुत बुरी आदत होती है, सुबह सुबह उठकर उन्हें सीधे अपनी मम्मी की गोद चाहिए। हमारे पूर्वी और तांशु दोनों ही ऐसे हैं। और यहाँ हमारे अनंत बाबूजी मुंह लटकाए हुए हैं, उनका मन कर रहा था यहाँ रुकने का, लेकिन जीजाजी ने छोड़ा नहीं। खैर उनकी भी गलती नहीं है, अभी इनके थोड़े दिनों में एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं और पढ़ाई भी चल रही है, ट्यूशन भी जाते हैं, तो पढ़ाई का लॉस हो जाता, वैसे भी बहुत लॉस हो रहा है ऑनलाइन की वजह से। पर जीजाजी ने बोल दिया है कि एग्ज़ाम होते ही दोनों बच्चों अनंत मुनमुन को यहाँ कुछ दिनों के लिए छोड़ देंगे रहने के लिए, क्योंकि भाई उनका भी मन करता है, बच्चों का भी मन करता है अपने नाना नानी के साथ रहने के लिए, और मम्मी पापा जी का भी मन करता है अपने धेपती धेपते के साथ रहने के लिए। क्योंकि जैसे मेरे मम्मी पापा का मन करता है तांशु के साथ रहने के लिए, ऐसे ही तो भाई अनंत मुनमुन भी तो मेरे सास ससुर के लिए हैं। और यहाँ हमारी ताई सास भी आ गई हैं दीदी को विदा करने के लिए। दीदी और जीजाजी के जाने के आधे घंटे बाद ही मैंने घर में साफ़ सफाई का काम शुरू किया है, क्योंकि जब कोई बाहर जाता है तो तुरंत साफ़ सफाई नहीं करते हैं, कुछ देर बाद शुरू करते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर पूरे घर में पोंछा लगा रही हूँ, और ये डंडे वाला पोंछा है, ये अलग से आता है, ये वो वाला पोंछा नहीं है, सिर्फ बाल्टी में जो आता है बाल्टी वाला, वो वाला नहीं है, ये अलग से डंडे वाला पोंछा आता है। और इससे भी ना पोंछा बड़े इजीली लगता है, और ज़्यादा महंगा भी नहीं है, 250-300 रुपये का आता है, और बहुत अच्छे से लग जाता है पूरे घर में पोंछा। इससे बस इसको थोड़ा हाथ से घुमाना पड़ता है राउंड राउंड,
और आराम से लग जाता है इससे पोछा। यहाँ पर बुआ जी नहा करके आ गई हैं और सब्जी वगैरह बना रही हैं कन्याओं के खाने के लिए। इसमें गोभी डाल गई, तेल डाल दिया और ये माँ जी आ गई, माँ जी ने धनिया डाल दिया। और ये देखिए यहाँ पर बुआ जी मेरी एक्टिंग भी करती जा रही हैं कि मैं कैसे वीडियो में बोलती हूँ। सच में भाई हमारी बुआ जी तो उनका तो जवाब ही नहीं है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, और अभी हम लोग हो गए हैं रेडी, हम लोग जा रहे हैं मंदिर, वहीं पर कन्याएं करेंगे। तो चलिए आज आपको हमारा मंदिर देखने को मिलेगा, अभी थोड़ी देर में निकलते हैं। ये देखिए मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ और आज ये मैंने अलग कलर का ब्लाउज पहन रखा है। ये देखिए ये बहुत ही पुरानी साड़ी है मेरी, जो मेरी शादी हुई थी, शादी के टाइम की है, मेरी मम्मी ने मुझे दी थी। तो इस साड़ी का ब्लाउज मेरे आता नहीं है और फिट नहीं होता, इसलिए मैंने ये दूसरे कलर का, दूसरी साड़ी का ब्लाउज पहन रखा है। तो चलिए दोस्तों मंदिर चलते हैं, आपको भी मंदिर के दर्शन कराते हैं। तो अभी हम सभी लोग मंदिर पहुंच गए हैं खाना वगैरह लेकर के, यहीं पर कन्याएं होगी मंदिर में, ये हमारा अपना ही मंदिर है। तो पहले सभी देवी देवताओं को भोग लगाया जाएगा, उसके बाद कन्याएं बिठाई जाएंगी खाने के लिए। और ये हमारे पूर्वजों का थान बना हुआ है, तो इनकी भी पूजा होती है। सभी देवी देवताओं को भोग लगाने के बाद यहाँ कन्याएं बिठाती हैं खाने के लिए, साथ में लांगुर भी हैं और हमारे ये दो छोटे लांगुर भी बैठे हुए हैं साथ में। और ये हमारे मंदिर की देखभाल करने वाले पुजारी बाबा हैं, तो इनको भी खाना दे दिया है। और ये हमेशा अपने बर्तन में लेते हैं खाना, इनके पास एक ये कटोरा है, इसी में ही खाना खाते हैं, किसी के बर्तनों में नहीं खाते, ये इसी में ही खाते हैं। और यहाँ पर सभी कन्याओं का खाना पीना हो गया है, तो मैं इनको पैसे देकर, इनके पैर छूकर इनको विदा कर दूँ। मंदिर से लौट करके आने के बाद हम सभी ने खाना वगैरह खाया और अब मैं हाथस जाने के लिए रेडी हो रही हूँ। तो पहले तो मुझे तांशु को छोड़ना है आगरा, तो इन्हें रेडी कर दूँ। अभी यहाँ पर हम रेडी होकर के मम्मी जी और बुआ जी से बात कर रहे हैं, साथ में दादी जी भी हैं और पापा जी भी बैठे हुए हैं, क्योंकि कल से काम के चक्कर में टाइम ही नहीं मिला कि आराम से बुआ के पास बैठें बातें करें। और अब जब हम दोबारा वापस आएंगे यहाँ पर, तब तक बुआ जी अपने घर जा चुकी होंगी। वैसे अभी यहाँ पर हमारा आने का कोई प्लान नहीं था, हमने सोचा था एग्ज़ाम देके सीधे हाथस चले जाएंगे, क्योंकि जनवरी के महीने में मेरी छुट्टियाँ काफ़ी हो चुकी थीं और फिर फरवरी के स्टार्टिंग में छुट्टी लेना सही नहीं था। लेकिन फिर जब पता चला कि दीदी और जीजाजी आ रहे हैं और साथ में बुआ जी भी आ रही हैं, तो मन नहीं माना और फिर सोचा चलो ले ही ले रहे छुट्टी और आ गए यहाँ पर। और अब सभी से मिलकर निकल रहे हैं वापस हाथस के लिए।
और ये देखिए मैं हाथस वापस आ चुकी हूँ अपने घर पर। आधा घंटा हो गया है मुझे आए हुए, 8:30 बजे तक मैं यहाँ पर आ गई थी। और अब बस थोड़ी देर में खाना खाएंगे पिएंगे फिर सोएंगे, क्योंकि सुबह उठ के स्कूल जाना है। तो अब मैं अपने आज के इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। तो प्लीज़ गाइज, अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे जल्दी फिर आपसे एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक ले बाय बाय, सी यू।